Hi, welcome to the next lecture of the complete Android development course Java section. So last video हमने introduction के बारे में जाना था कि आप इस section में क्या-क्या पढ़ोगे. तो start करते हैं हमारा आज का topic, what is Java और syntax and first basic program of Java. तो जानते हैं पहले what is Java. Java is a programming language and computing platform first released by Sun Microsystems in 1995. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सन माइक्रोसिस्टम द्वारा रिलीज किया गया था सन 1995 में. देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि कंसिस्ट करता है सम प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है. कुछ आउटपुट मतलब उसको आप जो इनपुट दोगे जो बताओगे करने के लिए वो उसके हिसाब से आउटपुट देगा आपको. ठीक है देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट होता है एल्गोरिदम्स के बेस पे. एल्गोरिदम्स क्या होता है? एल्गोरिदम्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ वहां से वो टेबल लेके आओ. तो मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन के लिए कि आपको वहां से टेबल लेके आना है. समझ लीजिए टेबल लेके आना एक प्रोग्राम हो गया. अब आप जाओगे जाओगे कैसे जाओगे? पैदल चल के जाओगे या फिर जैसे भी जाओगे आप उससे जाओगे वहां से टेबल उठाओगे फिर उसको लेकर के आओगे फिर आप यहाँ पे रखोगे. ठीक है तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया कि इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे फॉलो किया और कुछ आउटपुट आया आप टेबल ला के रखे. ठीक है मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इनपुट दिया कि आप जाइए वो टेबल लेकर के आइए. ठीक है आप गए जिस तरह गए जैसे लेकर के आए कुछ प्रोसेस फॉलो करके आप गए लेकर के आए वो टेबल मेरे पास रखे तो जो रखे टेबल मुझे दिए वो मेरा आउटपुट हुआ और जो मैंने आपको बताया कि आप जाइए वो टेबल लेके आइए वो मेरा इनपुट हो गया. तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट. और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? आप कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मतलब बड़े 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 जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं कितने सारे मैथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसके लिए भी यूज होता है जावा. ये सन माइक्रोसिस्टम में डेवलप किया था 1995 में. ये मैंने आपको बता दिया है. देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट दैट विल नॉट रन अनलेस यू हैव जावा इंस्टॉल्ड. तो देखिए इस लाइन का मतलब आप भी खुद ही समझ गए होंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन. देखिए हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी जावा पे ही सीख रहे हैं और वेबसाइट्स भी है जहाँ पे जावा यूज होता है जावास्क्रिप्ट यूज होता है जावा भी यूज होता है वहाँ पे. ठीक है जावास्क्रिप्ट और जावा में कुछ चीजें का फर्क होता है. ठीक है तो आप वेबसाइट्स पे कैसे यूज करते हैं एप्लीकेशन पे आप समझ रहे हो. एप्लीकेशन पे मैंने बता रहा हूँ कैसे यूज होगा आप समझ रहे हो. और वेबसाइट्स पे कैसे यूज होता है उसकी भी ट्यूटोरियल्स है हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हो. और कैसे यूज होता है मैं बता देता हूँ. आप देखते हो कभी आप कोई अपने वेब पेज ओपन किया तो आप जब उसको स्क्रॉल करते हो नीचे तो आप कई देखते हो कई आप पॉपअप एनिमेशंस आते हैं जब आप स्क्रॉल कर रहे हो. ठीक है तो वो स्क्रॉल कर रहे हो वो सिर्फ सीएसएस से नहीं क्रिएट हो सकता है वो आपके जावा से क्रिएट होगा कि जब यूजर स्क्रॉल करेगा तब मुझे वो चीज दिखानी है. ठीक है तो ये होता है वेबसाइट्स में भी यूज होता है. एंड मोर आर क्रिएटेड एवरी डे मतलब कि रोज ही रोज कुछ ना कुछ ऐप क्रिएट ही हो रहा है. जैसे आप क्रिएट कर रहे हो कुछ ना कुछ ऐप करेंसी कन्वर्टर आपने क्रिएट किया जावा के थ्रू ही किया बेसिक थोड़ा सा एक दो लाइन ऑफ जावा कोड यूज किया आपने क्रिएट कर दिया ऐप. जावा इज फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल. जावा बहुत ही फास्ट है बहुत ही सिक्योर है और बहुत ही स्टेबल है रिलायबल है. ठीक है फ्रॉम लैपटॉप्स टू डेटा सेंटर्स गेम कंसोल टू साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर सेल फोन्स टू द इंटरनेट जावा इज एवरीवेयर. देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम लैपटॉप्स आपके लैपटॉप से डेटा सेंटर्स आपके स्मॉल लैपटॉप से डेटा सेंटर्स जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर जिनके पास होता है जो कुछ डेटा प्रोसेस करते हैं और गेम कंसोल आप नॉर्मल जो गेम खेलते हो कोई कोई उससे टू साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर जो बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं सुपर कंप्यूटर से कि वेदर फोरकास्टिंग का हो गया आपका वेदर फोरकास्टिंग. देखिए आपको बताया था कभी कभी कि आपका आज बारिश होगा. ठीक है तो वो कुछ वेदर्स को लेकर के सारा कुछ लेकर के बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है सुपर कंप्यूटर उसके बाद आपको बताता है कि हाँ पे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका आज बारिश होगी. ठीक है सेल फोन्स टू द इंटरनेट आप फोन यूज कर रहे हो अपना आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो जैसे कि आपने एंड्रॉयड यूज कर रहे हो. ठीक है एंड्रॉयड का जो अभी तो हमने ऐप बनाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनते हैं उसकी ट्यूटोरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप बना सकते हो. ठीक है बेसिकली ये बनता है कर्नल सोर्स पे. वो कर्नल सोर्स हर हैंडसेट का एक कंपनी रिलीज करती है कि इसका हमारा कर्नल सोर्स ये है उसके बेसिस पे बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है तो वो भी जावा पे ही कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनता है लेकिन जावा भी यूज होता है वहाँ पे टू द इंटरनेट. ठीक है इंटरनेट आप एक्सेस हो रहा है अगर आप अपना खुद का एक वेब सर्वर क्रिएट करते हो कि आप अपनी वेबसाइट वहां पे स्टोर कर रहे हो और कहीं से भी वर्ल्ड में एक्सेस हो रहा है तो आपका सर्वर ही उसको रिस्पॉन्ड के दे रहा है बता रहा है कि कैसे कैसे क्या होना है वहां भी जावा यूज होता है. ठीक है तो ये बेसिक जावा का मतलब है कि जावा क्या होता है. अब हम जानते हैं सिंटैक्स और बेसिक प्रोग्राम के बारे में. उसके लिए हमें अपने ब्राउजर पर जाना होगा. तो मैं क्रोम ब्राउजर पर आ गया हूँ और एक वेबसाइट ओपन करूंगा दैट इज browxy.com. ओके
ठीक है, ब्राउ एक्स वाई क्या है? इट इज अ फ्री ऑनलाइन आईडीई टू क्रिएट रन एंड रिलीज ऑसम प्रोग्राम्स। अब ये आईडीई क्या होता है? आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेस होता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उसको रन करा सकते हो। ठीक है, तो ये एक आईडीई है, इसमें आप बहुत सारे लैंग्वेज से आप कर सकते हो, जैसे हो गया सी प्लस प्लस, हो गया सी शार्प, हो गया जावा, हो गया आप जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या अगर कुछ होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं जावा हेलो वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल ओपन करता हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास आ रही है कुछ चीजें लिखी हुई, मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब रन करता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, ये जो हमने प्रिंट किया था ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखिए, बहुत इजी नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड आप प्रिंट करा सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके लिए मैं बंच ऑफ कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। पहला तो पैकेज डोमेन, पैकेज डोमेन क्या है? हमने एक डोमेन पैकेज इंक्लूड किया है, ये जरूरत नहीं होती है अगर आप कई दूसरा आईडी यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये आपका बैकएंड में चलता है, इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप एक ऑनलाइन आईडी यूज कर रहे हो तो इसको डोमेन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये डोमेन में आपका बेसिकली कंपाइलर स्टोर होता है, जो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है। अब कंपाइल क्या होता है, आप वो कुछ आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो, बंच ऑफ कोड्स लिख रहे हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड है, इसका मैं बताता हूँ अभी क्या है। और ये आप कोड लिख रहे हो, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो ये कंपाइलर इसका चेक करेगा अपने अपने मेमोरी में, अपने डेटा स्पेस से, कि इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, और हम लोग को ये स्टेटमेंट लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब वो अपने बैकएंड में प्रोसेस कर रहा है डेटा, वो कन्वर्ट कर रहा है आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज वाले कोड में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज समझ सकते हो, 1010 समथिंग लाइक दैट कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करके बाद अपने कंपाइलर में उसको कंपाइल कर रहा है, प्रोसेसर से या जैसे भी पीछे बैकेंड में काम हो रहा है वो हो रहा है पीछे, उसके बाद हमको डिस्प्ले करा रहा है ये हेलो वर्ल्ड। तो वो कंपाइलर होता है, तो उसको हमको वहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये क्लास क्या है? पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्लास आप आगे वाले वीडियोस में समझ जाओगे अच्छे से, जैसे जैसे अपना पूरा एंड्रॉयड कोर्स कंप्लीट कर जाओगे आप समझ जाओगे क्लास क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे पब्लिक क्यों यूज हुआ है, अगर हम पब्लिक नहीं भी लिखें अगर तो भी हम रन करें सेव करके, ओके यस किया, सेव कर दिया, देखिए तो भी रन हो रहा है। बस पब्लिक क्या होता है, आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब एक्सेस क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर आप बताता हूँ मैं आपको, पब्लिक। ठीक है, और इसको वापस से सेव करके रन कराता हूँ। ठीक है, देखिए रन हो रहा है। तो पब्लिक क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर होता है, आप इसको अगर आप पब्लिक है, इसके इसके बिहेवियर को, इसके प्रॉपर्टीज को यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे ये मेन फंक्शन छोड़ के, ठीक है ये मेन फंक्शन है, क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो भी लिखेंगे कहीं भी आप एक्सेस करा सकते हो, पब्लिक यही होता है। जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नाम का ये प्रोजेक्ट है, अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट यूज करता हूँ अगर उसमें इसको इंक्लूड करूंगा इस क्लास को, हेलो वर्ल्ड की क्लास को, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जो भी यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो भी बंच ऑफ कोड लिखूंगा वो मैं चाहूँ तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ये इसलिए एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज हुआ है। अब क्लास के बारे में लोग जान लेते हैं क्या होता है। क्लास जैसे ही आप आगे एंड्रॉयड जितना पढ़ते जाओगे वो क्लियर होता जाएगा, लेकिन मैं आपको बताया था कि अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्लास क्या होता है। तो क्लास के बारे में हम लोग जानेंगे, क्लास एक सिंपली एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, टेम्पलेट जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमारे पास एक गेम है। ठीक है, गेम का नेम है, गेम का नेम छोड़िए, आप उसमें गेम में एक घोस्ट है। ठीक है, आप घोस्ट है, अब घोस्ट क्या है, आप गेम खेल रहे हो, आप आगे चलते जा रहे हो। ठीक है, आगे चलते जा रहे हो, आपका यहाँ से घोस्ट आ गया, कभी वहां से घोस्ट आ गया। ठीक है, तो उस घोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें ये क्लास की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे हम बंच ऑफ कोड लिखेंगे कि घोस्ट जिस तरह से क्रिएट हो जाए। ठीक है, यहाँ बंच ऑफ कोड लिखेंगे कि घोस्ट क्रिएट हो जाए, उसके बाद में हमें जब प्रोग्राम रन हो रहा है, मतलब जो गेम रन हो रहा है, जब जो भी है आगे बढ़ रहा है, आगे जैसे जैसे स्क्रीन आगे जा रही है, तो हमें घोस्ट को अपियर कराना है। ठीक है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे ताकि वो क्रिएट हो जाए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको छोड़िए, आप अभी नहीं बताऊंगा आपको, बेसिकली क्लास का मतलब बता रहा हूँ। क्लास एक टेम्पलेट होता है जो कि जो आपका कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए वहां पे वो यूज होता है। ठीक है, उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब अपने आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेन फंक्शन है, पब्लिक का मतलब समझ गया, स्टैटिक एक स्टैटिक कीवर्ड है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। वॉइड क्या है,
वॉइड एक रिटर्न टाइप है, मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये मेन फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है किसी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इसे कॉल करते हैं, मेथड्स क्या होता है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मेन फंक्शन है, ये एक पूरा एक कीवर्ड है जो आपको लिखना पड़ेगा कोई जावा का को प्रोग्राम रन करने के लिए। स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम हमने एक एक मेथड है, मेथड कॉल किया है एक, जैसे कि एग्जांपल मेथड के लिए सिस्टम नाम का फोल्डर है कहीं भी आप रखे हो, उसके अंदर एक आउट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर प्रिंट एल एन नाम की कोई फाइल है जो कि आपको कुछ डेटा प्रोसीड करके दे रही है। तो बस वो यही वही यहाँ पे वो भी वही चीज़ है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए एक बार मैं बताता हूँ, आप अपने कंप्यूटर में कोई आपका डी ड्राइव है, आप डी ड्राइव में गए, उसके अंदर आपका कोई फोल्डर है मूवीज नाम का, मूवीज में गए, अब मूवीज के अंदर एक फाइल है जो भी मूवी है एक्स वाई जेड, जो भी मूवी है वो मूवी की फाइल है, आप ओपन कर रहे हो उसे, तो आपको कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो मूवी देख रहे हो। इस तरह वहां पे एक सिस्टम नाम का फोल्डर है जिसमें आउट नाम का एक फोल्डर है, मतलब आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट आउट मतलब ये आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, प्रिंट का मतलब कि कुछ प्रिंट करना है, एलन का मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक का होता है, यहाँ पे एलन जो देख रहे हो यहाँ पे लाइन ब्रेक का होता है। अगर मैं एक एक और यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, अगर मैं इसको वापस से सेव करके रन करूंगा तो आप देखोगे ये नीचे आ रहा है, हेलो वर्ल्ड पहले आया ऊपर फिर ये हेलो वर्ल्ड नीचे आ रहा है। अगर यहाँ मैं लाइन ब्रेक नहीं करूंगा यहाँ पे तो फिर आप देखोगे क्या होगा, देखिए ये सामने सामने प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका ड्राई रन करते हैं हम लोग, समझते हैं क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। इसमें अभी जब कंपाइलर इसमें आया आपका देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, प्रिंट है सिर्फ प्रिंट, कोई मतलब कि इसको प्रिंट करने वाला आपकी लाइन चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया फिर बाद में नेक्स्ट डॉट प्रिंट एल एन मतलब कि इसको प्रिंट करने के बाद फिर लाइन चेंज करेगा। अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वापस से, मैं ऑलरेडी कॉपी किया हूँ पेस्ट करता हूँ और इसको मैं लाइन इसमें से हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और इसको सेव करके स्टार्ट करता हूँ, तो देख रहे हो पहले इसका प्रिंट किया लाइन चेंज नहीं किया, फिर इसने इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट करने के बाद इसके पास इसको मिला है कि भाई मुझे लाइन चेंज करनी है, इसके बाद फिर लाइन चेंज करके वापस इसको प्रिंट कर दिया ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक सा। अब यहाँ पे चेंज करके हेलो वर्ल्ड अपना नेम भी लिख सकते हो या फिर जो भी आपको करना हो, ये स्ट्रिंग के अंदर ही जो करना हो आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यश, ओके मैंने सेव किया स्टार्ट किया और ये देखिए रन हो गया, यहाँ पे आउटपुट यश आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक प्रोग्राम। आप जाने इसमें कि आप जावा क्या होता है, जावा को कैसे बेसिक प्रोग्राम इंक्लूड कर सकते हो, क्लासेस क्या होती है, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वेरिएबल्स के बारे में ही बताऊंगा कि क्या होता है वेरिएबल्स, कैसे डेटा प्रोसेस होता है वेरिएबल्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको क्या डाउट है, आप अच्छे से सीख रहे हो कि नहीं, ठीक है। और या तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।